फ्रेंड्स सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस एंड इसमें हमें क्या करना है एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा स्कीम ओके एंड उसके कुछ मेंबर वेरिएबल्स होंगे देन उस स्कीम क्लास से हमें एक क्लास डिराइव करनी है कस्टमर ओके एंड इस कस्टमर क्लास के भी अपने कुछ मेंबर वेरिएबल्स होंगे और यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए एंड डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो भी फंक्शंस है हम वो डिफाइन कर सकते हैं ओके देन और हमें क्या करना है क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ओके यानी कि हमें यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाना होगा उसमें ऑप्शंस देने होंगे एंड यूज़र जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो टास्क परफॉर्म करना होगा ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम क्या करते हैं एक क्लास डिक्लेयर की स्कीम ओके एंड इसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैं क्या करूँगा मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा अब प्रोटेक्टेड इसलिए ताकि इसकी जो डिराइव क्लास होगी वो भी इसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके ओके सो प्रोटेक्टेड सेक्शन में सबसे पहले हम स्कीम आईडी डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप ओके देन स्कीम नेम ऑफ कैरेक्टर टाइप एरे एंड उसकी साइज हम रख देंगे 20 ओके और आउटगोइंग रेट एंड मैसेज चार्ज के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे ओके सो फ्लोट डेटा टाइप के दो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आउटगोइंग रेट एंड मैसेज चार्ज ओके एंड इसके पब्लिक सेक्शन में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे ओके एंड इसमें हमें क्या करना है स्कीम क्रिएट करनी है ओके सो सी आउट क्रिएट स्कीम ओके एंड सबसे पहले हमें क्या करना है जो स्कीम आईडी है ओके जो स्कीम आईडी है उसमें रैंडम वैल्यू असाइन करवानी है सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रैंड फंक्शन ओके एंड परसेंटेज 1001 इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्कीम आईडी है उसके अंदर 1 to 1000 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगी ओके देन एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे प्लीज एंटर द स्कीम नेम ओके सी इन स्कीम देन अगेन एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे प्लीज एंटर द आउटगोइंग रेट ओके आउटगोइंग रेट अगेन एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे प्लीज एंटर द मैसेज चार्ज ओके सी इन मैसेज चार्ज सो ये हो गया क्या हमारा स्कीम क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज एंड ऑफ पेरेंट क्लास ओके एंड अब हम क्या करेंगे कस्टमर क्लास डिक्लेयर करेंगे सो क्लास कस्टमर एंड ये जो कस्टमर क्लास है वो एक डिराइव क्लास है सो इसकी पेरेंट क्लास क्या है स्कीम और इसको हम पब्लिक कीवर्ड के साथ इनहेरिट करेंगे ओके सो अब हम क्या करेंगे इस कस्टमर क्लास के जो खुद के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे सो कस्टमर आईडी होगी वो हम इंटीजर टाइप की रखेंगे डेटा टाइप की रखेंगे ओके सो इंटीजर टाइप की कस्टमर आईडी देन कस्टमर नेम के लिए हम कैरेक्टर टाइप एरे यूज़ करेंगे सो कैर एंड उसकी साइज हम रखेंगे 20 देन मोबाइल के लिए कैरेक्टर टाइप एरे ही यूज़ करने वाला हूँ मैं ओके एंड उसकी साइज हमने रखी 10 फॉर 10 डिजिट मोबाइल नंबर देन ये तो हो गए हमारे जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो मेंबर वेरिएबल्स तो एडिशनली हम दो मेंबर वेरिएबल्स और डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के कॉल्स
एंड मैसेजेस. ओके, और ये दोनों क्या करेंगे कि यूज़र जितने भी कॉल करेगा या मैसेजेस करेगा उनका अकाउंट स्टोर करेंगे. ओके, एंड इस कस्टमर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करेंगे और सबसे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे. कस्टमर डिटेल्स, ओके, एंड एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, प्लीज एंटर दी कस्टमर नेम. ओके, तो सी एन नेम. इससे पहले हम क्या कर देते हैं, जैसे कि स्कीम आईडी को हमने एक रैंडम वैल्यू असाइन करवाई थी, वैसे ही कस्टमर आईडी को भी हम एक रैंडम आईडी, रैंडम वैल्यू असाइन करवा देते हैं. ओके, सो 1001. ओके, इसमें भी 1 to 1000 के बीच में एक रैंडम वैल्यू असाइन हो जाएगी. देन कस्टमर आईडी हो गई, कस्टमर नेम हो गया. अब हम क्या करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करवाएंगे. सो सी आउट, सबसे पहले हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर दी मोबाइल नंबर. ओके, सी इन मोबाइल. ओके, एंड जो कॉल्स एंड मैसेजेस है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. ओके, सो जैसे ही कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा, तो स्टार्टिंग में ये जो कॉल्स एंड मैसेजेस हैं इनकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी. ओके, इनको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया, मेक कॉल, कॉल्स करके जो मेंबर वेरिएबल है उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया. और एक मैसेज डिस्प्ले किया, कॉल मेल डॉट डॉट डॉट. अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये मैसेज डिस्प्ले हो तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन होल्ड हो जाए. ओके, सो अगर आप टर्बो से यूज़ कर रहे हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डिले फंक्शन, और उसमें मिली सेकेंड की वैल्यू पास कर सकते हो. बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019 जो कि इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड विंडोज डॉट एच. ओके, और यहाँ पे स्लीप फंक्शन होता है उसको मैं कॉल करूँगा, और उसमें वो भी क्या है, मिली सेकेंड्स एक्सेप्ट करता है. सो यहाँ पे 1000 यानी 1 सेकेंड के लिए मैं स्क्रीन होल्ड करूँगा. अगेन एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया, सेंड मैसेज, एंड मैसेजेस करके जो मेंबर वेरिएबल है उसको हमने इंक्रीमेंट करवा दिया. और एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, मैसेज सेंड डॉट डॉट डॉट. ओके, एंड स्लीप 1000. ओके, एंड फाइनली अब हमें क्या करना है, बिल डिस्प्ले करवाना है. सो एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया, डिस्प्ले बिल. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट कस्टमर डिटेल्स. ओके, देन सबसे पहले हम कस्टमर डिटेल में क्या बताएंगे, कस्टमर की आईडी. पर्सनल डिटेल्स, अब हम क्या करेंगे, स्कीम की डिटेल्स डिस्प्ले करवाएंगे. सो अगेन
जो आउटगोइंग रेट है एंड जो मैसेज चार्ज है वो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे. सो आउटगोइंग रेट एंड सी आउट मैसेज चार्ज. ओके, एंड अब हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, जो इस कस्टमर ने स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी कॉल्स किए हैं, मैसेजेस सेंड किए हैं, उनका यूजेस. ओके, सो यूजेस, एंड सबसे पहले हम क्या बताएंगे, टोटल कॉल्स. ओके, देन टोटल मैसेजेस. स्टेटमेंट क्या होगा, टोटल बिल. ओके, एक सिंपल सा है, उसको कैलकुलेट करना. तो क्या करना होगा, जितनी कॉल्स हुई है इनटू आउटगोइंग रेट प्लस जितने मैसेजेस सेंड किए हैं इनटू मैसेज चार्ज. ओके, सो दिस इज आवर डिस्प्ले बिल मेंबर फंक्शन. अब हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में जाएंगे. और सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जो कस्टमर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे चॉइस, और उसको इनिशियलाइज किया जीरो से. ओके, सो हमें क्या करना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है. ओके, सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में हमें क्या करना होगा, एक डू व्हाइल लूप ले लेते हैं. अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, एक फैंसी स्टेटमेंट हम डिस्प्ले करवाते हैं. ओके, सो टेल सर्विसेज मेन्यू. ओके, एंड जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन. ओके, सो अब हम यूजर को ऑप्शन देंगे, सो प्रेस वन टू मेक कॉल. ओके, देन जो सेकंड ऑप्शन होगा वो किसके लिए होगा, प्रेस टू टू सेंड मैसेज. ओके, देन जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा किसके लिए, बिल डिस्प्ले करने के लिए. सो प्रेस थ्री टू डिस्प्ले दी बिल. ओके, तो ये तो हमने ऑप्शन डिस्प्ले कर दिए. अब हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा ताकि यूज़र को ये बता सकें कि यस नाउ एंटर द चॉइस. ओके, सो सी आउट प्लीज एंटर योर चॉइस from above options. ओके, एंड सी इन, और ऊपर जो हमने चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दी. ओके, अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्विच केस. बट अगर आप चाहो तो इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड स्विच केस में हमारा जो फर्स्ट केस होगा वो क्या होगा, ऊपर हमने क्या ऑप्शन प्रोवाइड किया है, मेक कॉल के लिए. सो जो कस्टमर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सी, उसके थ्रू हम मेक कॉल फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे एंड ब्रेक. देन केस टू क्या होगा, सी डॉट सेंड मैसेज. ओके, देन ब्रेक. देन जो थर्ड है केस, उसमें क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करवाएंगे बिल को. ओके, एंड जैसे ही ये बिल डिस्प्ले हो तो हमारा प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना चाहिए, हमारा प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए. ओके, सो ये हो गए हमारे तीन केस. तो हम डिफॉल्ट केस भी ऐड कर देते हैं, एंड
मान लीजिए कि यूज़र ने 1, 2, 3 के अलावा कोई वैल्यू एंटर कर दी, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना होगा? इनवैलिड चॉइस एंटर, ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब जब जब ये इटरेट होगा, ये जो लूप है वो इटरेट होगा, तो बार बार ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप टर्बो से यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करोगे? क्लियर स्क्रीन, ओके, ताकि जब जब ये मेन्यू डिस्प्ले हो तो मेन्यू डिस्प्ले होने से पहले ही स्क्रीन क्लियर हो जाए। बट ये जो फंक्शन है वो विजुअल स्टूडियो 2019 में सपोर्टेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? सिस्टम फंक्शन, ओके। एंड जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड यूज़ करते हैं CLS, वो मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर दूँगा, ओके। एंड और भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले उसने क्या किया, पेरेंट क्लास जो स्कीम क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे स्कीम में बेसिक्स, ओके। देन आउटगोइंग डेट हमने सेट की है 1.2 एंड मैसेज चार्ज हमने रखा है 1, ओके। देन कस्टमर नेम का हमने एंटर किया है अंकित, एंड मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है 9012345678, ओके। देन ये हो गया हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो इसने मेन्यू डिस्प्ले किया, अब हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू एंटर करेंगे। सो सबसे पहले हम एक कॉल करेंगे, सो 1 कॉल मेड। देन एक मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज सेंड। देन अगेन एक कॉल करते हैं, कॉल मेड। देन फाइनली हम बिल डिस्प्ले करेंगे। एंड उसने क्या बताया, कस्टमर डिटेल, स्कीम डिटेल एंड यूजर्स। सो कस्टमर डिटेल में जो कस्टमर आईडी है एंड स्कीम डिटेल में जो स्कीम आईडी है वो उसने रैंडमली जनरेट की, ओके। एंड कस्टमर डिटेल्स में जो नेम है एंड जो स्कीम डिटेल्स में ये जो नेम, रेट एंड चार्ज है वो हमने खुद ने एंटर की थी। देन टोटल कॉल हमने कितनी की थी? 2, और एक मैसेज सेंड किया था। एंड फाइनली उसने टोटल बिल कितना कैलकुलेट किया है? 3.4। So, thank you so much for watching this tutorial.